Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से वही horror game खेलने जा रहे हैं और इस game का नाम है Evil Nun. All right guys, तो ये मैं वापस आ चुका हूँ Evil Nun के इस horror school में और इस बारी मैं कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी नहीं करने वाला हूं और ये एक स्पीड रन होने वाला है इसके स्कूल से एस्केप करने का, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट हर एक चीज मालूम है कि मुझे क्या कैसे करना है. लेट्स गो. फिलहाल सबसे पहले ना मुझे इस इलेक्ट्रिकल पैनल को ठीक करना होगा, इसमें एक स्मॉल केबल लगा के जो कि मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे मिल सकती है. मैं इसे ढूंढने के लिए ऊपर तो आ चुका हूं. ये है किचन. यहां पर सबसे पहले ना ड्रॉर्स चेक कर लेता हूं. यहां पर लास्ट टाइम इस बार भी मुझे यहीं पर स्मॉल केबल मिल गई है. अभी जल्दी से चल के मुझे इसे इस इलेक्ट्रिकल पैनल में लगा के इसका लीवर डाउन करना है. ये ठीक हो गया. अभी हर एक डोर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, यानी कि बटन दबाने पे वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे और मैं इस स्कूल की हर एक जगह पर एक्सेस कर पाऊंगा. लेट्स गो. ये ओपन कर दिया. शटर धीरे धीरे ओपन हो रहा है, पर अपने बेस्ट टाइम में हम लोग क्राउच करके आगे जाने वाले हैं. और अभी मुझे जाना है सीधा चेंजिंग रूम में, क्योंकि चेंजिंग रूम से एक रास्ता जाता है बाहर गार्डन में. मैं सारे गेट फुल बंद करके चल रहा हूँ ताकि अगर इविल नन आ जाए तो वो मुझे देख ना पाए. ये वाला गेट भी बंद कर दिया और सामने मुझे क्रोबार मिल चुका है. यही ढूंढने के लिए तो मैं यहाँ पर आया था. लेट्स गो. अब इस क्रोबार को लेकर मुझे जाना होगा बाथरूम मींस टॉयलेट में, और उस टॉयलेट से जो रास्ता जा रहा है इस प्लैंक्स को हटाकर, वुडन प्लैंक का एक नहीं लटाया दूसरा हटाया, ये वाला गेट बंद कर देता हूँ ताकि अगर नन आए तो उसको पता ना चले. लेट्स गो. अभी मुझे यहाँ से जाना है सीधा पीछे वाले मीन्स फर्स्ट वाले टॉयलेट में, क्योंकि इसकी बेसमेंट जाती है सीवर में. लेट्स गो. ये हम लोग आ गए सीवर में. कितनी जल्दी कर दिया मैंने सब कुछ. इस सीवर में ना एक हुक है, वो हुक मुझे लेकर जाकर सारे के सारे स्टॉप कॉक्स को बंद कर देना, मतलब वहाँ से जो वाटर सप्लाई आ रही है. लेट्स गो. इस हुक को उठाकर फर्स्ट वाला तो यहीं पर बाहर होता है ना, जहाँ तक मुझे याद है. एक बार चल के देख लेता हूँ. ओके, वो रहा सामने. हाँ, तो मुझे सबसे पहले इसको बंद करना है. फटाफट से इस हुक को इस वाटर कंट्रोल लिड पे लगा के स्टॉप कॉक को मैं रोटेट कर देता हूँ और अभी जो है पानी यहाँ से जाना बंद हो जाएगा. सेम इसी टाइप के तीन और बचे हैं, टोटल चार थे, एक हमने कर दिया. यहाँ पर एक स्टॉप कॉक और बंद कर दिया है, दूसरा एक और यहाँ पर ना पीछे गार्डन में होता है. ओके, तो एक यहाँ पर है. फटाफट से मुझे इसे बंद करना है. और चौथे वाले की तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता है, वो है इविल नन की वॉशरूम में, मतलब जो उसका बाथरूम है. फटाफट से हमें वहां पर जाना है और उसको भी बंद करना है. ओके, तो ये इस टाइम मैं उसके होम में आ चुका हूं. फटाफट से डोर ओपन करते हैं और ये रहा फोर्थ एंड लास्ट स्टॉप कॉक जिसे मैंने बंद कर दिया है. और अभी सीवर में पानी का जो फ्लो है, मतलब पानी खत्म हो गया होगा और मैं अब टनल में एक्सेस कर सकता हूँ, वहां पे जा सकता हूँ. ऑलराइट, अभी इस क्रोबार को मैं उठा लेता हूँ क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ सकती है और इस बारी मुझे इसे संभाल के ड्रॉप करना है. खैर, मैं जाते ही ना ब्रिक रिमूव कर दूंगा क्योंकि वो सच्ची में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने लिए. लेट्स गो. ये मैं आ चुका हूँ यहाँ से नीचे और ये देखो अभी कैसे पानी यहाँ पर ना भरा हुआ है और यहाँ पर ये क्रोकोडाइल भी स्विम कर रहा है. भाई ये सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ा क्रोकोडाइल है. लेट्स गो. मैं अंदर आ चुका हूँ. मुझे यहाँ पर एक स्विच लाकर लगाना है और उस स्विच को दबा के मैं यहाँ का सारा पानी हटा सकता हूँ, फिर मैं सीवर में उतर के भी जा सकता हूँ. इधर वाले रूम के सारे कैबिनेट में चेक कर चुका हूँ बट मुझे स्विच नहीं मिला. एक बारी अंदर छोड़ो, यहाँ पर भी तो कुछ सामान पड़े होते हैं ना. मैंने यहाँ पर भाई स्विच एकदम आंखों के सामने पड़ा हुआ है और मैं अंदर जाके एक एक अलमीरा खोल खोल के देख रहा हूँ कि भाई इसमें स्विच है या फिर नहीं. लेट्स गो. इस स्विच को लाकर यहाँ पे लगा के बटन दबाना है और अभी सारा का सारा पानी जो है बंद हो जाएगा. अभी मुझे ढूंढना है कॉग जिससे कि जो नीचे वाली टनल है ना जहाँ से हमें एस्केप करना है उसका पिंजरा मुझे खोलना है. वो वहाँ पे लगेगा उधर. तो कॉग जो है रेड कलर का था लास्ट टाइम. यार इधर तो मैंने सारे ऑलरेडी चेक कर लिए हैं. मैंने शायद से अंदर वाला एरिया भी पूरा चेक कर लिया था और कॉग वाओ, मैंने ये वाला कैबिनेट खोला और मुझे ये नजर ही नहीं आया क्योंकि एकदम ऐसे कोने में पड़ा हुआ है, पूछो मत. लेट्स गो. अभी जल्दी से इसको लेकर नीचे चलते हैं बट यहाँ पर क्रोकोडाइल चल रहा है. यार ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा पता नहीं क्यों. मैं इसको चुपचाप से ले जाके यहाँ पे लगा देता हूँ. हेलो क्रोकोडाइल, कुछ कहियो मत बस. ओके, अभी हमने रास्ता खोल दिया है. हे व्हाट्स अप, हेलो. अभी ये कुछ भी नहीं कह रहा, मेरा दोस्त है क्या तू मेरा, बताइयो. कुछ नहीं कह रहा. लेट्स गो. ठीक है, अभी मुझे ना फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए. मुझे ना उससे फालतू पंगे नहीं लेने, मुझे फटाफट यहाँ से एस्केप करना चाहिए. फिलहाल अभी मुझे यहाँ से एक कैनिस्टर मिल चुका है और ये कैनिस्टर हमारी राफ्ट बनाने के काम आएगा, जिस राफ्ट पे बैठकर हम लोग यहाँ से एस्केप करने वाले हैं. फिलहाल वो क्रोकोडाइल मेरी तरफ ही आ रहा था शायद इस बारी और मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ. अब खैर ये कैनिस्टर उठाए ही है तो इसको फटाफट से ले जाके ना इस वाली राफ्ट पे लगा देता हूँ. इस टाइप के मुझे टोटल चार कैनिस्टर ढूंढने हैं जो कि इसके ऊपर लगने वाले. पाँच नहीं, ये एक सेकेंड, मेरे को यहाँ से दो और मिल गए हैं, मतलब टोटल दो हो चुके हैं
और इसमें दिखाया गया कि हमें 4 कैनिस्टर लगाने हैं, मगरमच्छ को कुछ खिलाना है, उसके बाद वो वाला जो पिंजरा है वो ओपन करके यहाँ से बाहर निकलना है। बाकी 2 कैनिस्टर मुझे मिल चुके हैं, 2 कैनिस्टर मुझे और ढूंढने हैं। वेट, मैं अभी ना एक काम करता हूँ, जो क्रोबार मैंने इधर ड्रॉप करा था ना, इस क्रोबार को उठाता हूँ और नीचे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ना इस वाले ब्रिक को रिमूव करते हैं, जो मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाया था और इस वजह से मुझे दोबारा खेलना पड़ रहा है। ये गैप है, यू कैन प्लेस समथिंग दैट एमिट्स एन अनोइंग साउंड टू अट्रैक्ट द क्रोको। अनोइंग साउंड, लेट्स गो, मुझे पता चल गया क्या है वो, मैंने इस चीज को देखा हुआ है, लेट्स गो। यहाँ पर ना एक ट्रॉफी है जिसमें से एक साउंड बजता है और वही एक आइटम अब बचा हुआ है यहाँ पर लगाने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट हर एक चीज ट्राई कर चुका हूँ। हाँ ये देखो, इसमें बना हुआ ना पुश बटन पे एक आवाज है, लेट्स गो। अभी जल्दी से इसको लेकर चलते हैं और वहां पे लगा देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं वापस से आ चुका हूँ सीवर में, चलते हैं यहाँ से नीचे। यार ये मेरे ऊपर कसम से अटैक ही नहीं कर रहा, जैसे देख ही ना रहा हूँ मेरे को। फिलहाल इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसमें से एक बहुत अजीब आवाज आना शुरू हो गई है। क्रोकोडाइल आ रहा है उसकी तरफ और ओके, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये शायद से भी वॉल तोड़ने वाला है। देखने में मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। ये गया और इसने वॉल तोड़ दिया। ओके लेट्स गो, इस टूटी हुई दीवार से मुझे अंदर आना है। और ये हम लोग कहाँ आ गए? ओ ये तो वही वाला दरवाजा, अच्छा इसलिए नहीं खुल रहा, इधर एक बोर्ड लगा हुआ था, इसको अब मैंने ओपन कर दिया। यहाँ से मुझे एक कैनिस्टर और मिल चुका है। फिलहाल ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है, इधर काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, जिन पेंटिंग्स पे कुछ ना कुछ तो अजीबो गरीब सा बना हुआ जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। फिलहाल ये कैनिस्टर मुझे मिला है तो फटाफट से इसको ला कर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। 3 हो चुके हैं। वो जो सीक्रेट कोड था ना, शायद से उसी से पेंटिंग का कुछ लेना देना है, मुझे देखने में तो कुछ ऐसा सही लग रहा है, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ खास समझ नहीं आ रहा कि ओ अभी समझो, ये देखो ये 3rd नंबर पेंटिंग, ये 4th नंबर पेंटिंग। ओके 2948, ये रहा ट्रॉफी 2948। मुझे कोड मिल चुका है, अगर ये काम कर गया ना तो भाई फिर तो तबाही है, जीनियस ओपी, लेट्स गो। इतनी देर है इसकी, ओ तो मारता, इतनी देर से क्यों नहीं मारा था फिर? भाई वो भी कह रहा होगा अबे मार नहीं रहा तो कम से कम सिर पे तो मत चढ़। मैं यार उसके ऊपर से चढ़ के निकल रहा था और खाली बेली मारा गया। यहाँ से कुछ खास नहीं मिला, क्या है कॉलर। ओके ओ ये रहा लास्ट कैनिस्टर, पूरे 4 कैनिस्टर मैंने ढूंढ दिए हैं, तो जल्दी से इस कैनिस्टर को लेकर चलता हूँ यहाँ से नीचे और इस राफ्ट पे लगा देता हूँ। और अभी बचा है वो कॉलर जो कि मुझे इस मगरमच्छ को पहनाना है। तो इसी के साथ मैं वापस आ चुका हूँ अपनी राफ्ट पे, अब बस कोई प्रॉब्लम ना हो जाए यहाँ पर। अगर नन आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और राफ्ट अपनी बन चुकी है और वो देखो उसका जो कॉलर आगे से जुड़ गया है, मुझे ये वाला लीवर अभी घुमाना है और फाइनली ये खुल चुका है और हम लोगों ने सीवर से एस्केप कर लिया। अच्छा इसको भी बाहर निकलने की जल्दी मची हुई थी। ओ भाई उसने एस्केप करा और हमने उसके गले से अपना ये राफ्ट का फंदा बांधा हुआ था, मतलब रस्सी बांधी हुई थी। और ये मगरमच्छ जान ले जाएगा, मार जाएंगे। बाकी नन को देखो इसकी हालत क्या हो चुकी है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा गजब एस्केप था। पता चला मगरमच्छ बीच रास्ते में ले जाके अपनी पार्टी कर दे, फिर क्या होगा यार कुछ भी हुआ है भाई, सही बता रहा हूँ।